बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। आज हम आपको फ्रॉक कटिंग करना बताएंगे। ये फ्रॉक हम 16 से 17 साल की बच्ची के लिए कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने दो तरह के कपड़े लिए हैं, एक प्लेन और एक प्रिंटेड। जो हमने प्लेन कपड़ा लिया है वो 1 मीटर हमने लिया है, और जो प्रिंटेड है वो हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। जो हमारे पास ये प्रिंटेड कपड़ा है उसे हमने इस तरीके से खोलना है। और ये देखें, हम आपको एक बार रखकर दिखाएंगे कि आपने इसे किस तरीके से रखना है। ये डबल है, इसे हमने अगेन डबल किया है और इसे इस तरीके से रखेंगे। और अब इसकी पैमाइश करेंगे। जो लेंथ हमने फ्रॉक की बनानी है उससे हमने थोड़ी सी कम ये घघरी की लेंथ लेनी है, तो ये हमने 28 इंचेस लेंथ ली है घघरी की, और ये हमने 22 इंचेस विड्थ ली है। इसके बाद हमने जो ऊपर से वेस्ट रखनी है, हम इसकी पैमाइश करेंगे। जो हमने वेस्ट रखनी है, तो जो हम वेस्ट रख रहे हैं वो है 15 इंच। ये देखिए 15 इंचेस हमने वेस्ट रखी है, और ये हम निशान लगाएंगे कि हमने ये इस तरीके से कटिंग करना है। और नीचे से गोलाई में, हल्की सी गोलाई में हमने कटिंग करना है। नीचे से भी इसी तरीके से, जिस तरीके से निशान लगाया था वैसे ही कटिंग करना है। और ये हमारी घघरी की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आपको पेटी की कटिंग करना बताएंगे। और पेटी की जो हम नेक बनाएंगे वो हम कॉर्ड कॉलर नेक बनाएंगे, और ये आपको हमने बहुत ही ईजी टेक्निक बनानी है कॉर्ड कॉलर नेक बनाने की। तो इसके लिए देखिए, हमने ये जो कपड़ा लिया है इसे हमने डबल करना है। ये देखिए इस तरीके से डबल करना है। देखिए इस तरीके से इसे रखना है। ये हमारी फ्रॉक की जो पेटी है उसका फ्रंट पेज है, और इसके ऊपर हमने ये प्लेन कपड़ा जो हमारे पास है वो रखना है। तो हमने पहले पेमेंट की है कि प्लेन कपड़ा हमारे पास जो पेटी है सेम इसी साइज का लेकर हमने इसके ऊपर रखना है, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा आगे कर रखना है। ये देखिए जो प्रिंटेड कपड़ा है वो आपको थोड़ा सा छोटा हुआ नज़र आ रहा होगा, और इसके ऊपर ये ब्लू जो हमारे पास प्रिंटेड है इसे हमने डबल करना है। ये हमारा बैक पीस है, और इसे हमने इस तरीके से, अब आप देख लें इधर से ब्लू कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा प्लेन। अब हमने इसकी पैमाइश करनी है। तो जो हम पेटी बनाएंगे उसकी लेंथ है 17 इंचेस। ये देखिए 17 इंचेस हमने लेंथ लेनी है, और जो विड्थ है विड्थ हम 11 to 12 इंचेस रखेंगे। 12 इंचेस हमने विड्थ ली है। सिंपल एंड इजी टेक्निक है व्यूअर्स कोट कॉलर बनाने की। पहले आपने प्लेन कपड़ा रखना है और इसके ऊपर ये प्रिंटेड रखना है। और अब हमने शोल्डर की पैमाइश करनी है। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने शोल्डर की पैमाइश की है वो इधर इस साइड से की है, और यहाँ निशान लगाएंगे। और शोल्डर की जो हमने लेंथ ली है वो है 7.5 इंचेस, और आर्म पिट की हमने 8 इंचेस लेंथ ली है।
से कटिंग करेंगे। और साइड से कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने बैक पीस को अलहदा करना है और फ्रंट पीस की शोल्डर की हमने कटिंग करनी है। और अब आपको नेक की कटिंग कर बताएंगे। इससे पहले हमने आर्मपिट की डीप कटिंग करनी है। इसके बाद आपको नेक की कटिंग करना बताएंगे। तो जो नेक की हमने कटिंग करनी है वो हम वी शेप में कटिंग करेंगे। देखिए नेक लाइन जो हम बना रहे हैं वो वी शेप में बनानी है। इसे हमने इस तरीके से कटिंग किया। और अब आपको इसे हम नीचे से कटिंग कर रखकर बताएंगे कि ये बहुत ही इजी एंड सिंपल टेक्निक है कॉलर बनाने की। पहले हम फ्रॉक आपको रखकर बताएंगे। ये हमने जो खंगली है इसमें चुनरी लेनी है और इसकी पेटी तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले बैक पीस रखना है। जो खगड़िए से हम आपको खोल कर सही से रख कर दिखाएंगे कि आपने इस तरीके से चुनरी लेनी है। और इसके बाद आपने पेटी तैयार करनी है। तो पेटी के लिए सबसे पहले बैक पीस रखेंगे और इसके ऊपर हमने फ्रंट के पीसेस रखने हैं। फ्रंट क्योंकि हमारा आगे से ओपन है। और ये देखिए इस तरीके से हमने नीचे ब्लू और ऊपर प्रिंटेड, नीचे प्लेन और ऊपर हमारे पास प्रिंटेड पीस इस तरीके से रखना है। और जो नेक हमने कटिंग की थी उसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये हमारी हाफ कॉलर बन चुकी है। और अब इसके बाद हमने ऊपर की कॉलर कटिंग करनी है। कॉलर कटिंग करने के लिए हमने प्लेन कपड़ा यूज़ करना है। तो इसे हमने डबल किया है। और इसके बाद आपको इसकी पैमाइश कर बताएंगे। जो हम लेंथ लेंगे वो 15 इंचेस लेंथ है कॉलर की और जो विड्थ है वो 4 इंचेस है। देखिए 4 इंचेस हमने विड्थ ली है और इसे हमने डबल किया है। ये देखें डबल हमने रखा हुआ है। अब इसे हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसकी कटिंग करनी है। नीचे से हमने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है और जब हम थोड़ा सा ऊपर की साइड आएंगे तो हमने थोड़ी सी इस तरीके से कटिंग करनी है। और अब इसे आपको रखकर बताएंगे कि आप इसे किस तरीके से लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से आप इसे अटैच करेंगे और ये हमारी कोट कॉलर इजीली कट हो चुकी है। ये देखिए वेरी इजी एंड सिंपल टेक्निक है ये। स्लीव्स एक साथ ही कटिंग करेंगे। एंड अगेन हमने ये डबल किया है और अब इसकी हमने पैमाइश करनी है। तो जो स्लीव्स की हम लेंथ लेंगे वो है 22 इंचेस हम लेंथ ले रहे हैं। और यहाँ हम निशान लगा लेंगे और इसे
स्टार्ट करेंगे जिस शेप की हमने ड्रॉ की थी लाइन उसी तरीके से हमने कटिंग करनी है स्लीव की। ये देखिए स्लीव की कटिंग हो चुकी है और अब हम आपको इसे रखकर देते हैं। ये फ्रॉक की जो हमारी पेटी है उस पर हमने स्लीव लगा दी है और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग के बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने स्टिचिंग की है फ्रॉक, लेकिन ये जो फ्रॉक हम आपको दिखा रहे हैं ये सेम डिज़ाइन है और ये स्लीवलेस है और इसकी जो कॉलर है वो प्रिंटेड कपड़े की ही है, लेकिन हमने प्लेन कपड़े की कॉलर बनाई। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करना मत भूलिए, इससे आप हासिल कर सकेंगे हमारी न्यू अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।